हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, आज मैं अंसल सुशांत सिटी सेकंड के अंदर खड़ा हूं, जहां पर आज आपको 4 BHK शानदार मकान विजिट कराने के लिए आया हूँ, जो कि 90% लोनेबल है, 90B टेक्निकल अप्रूव्ड है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है, बेल आइकन भी दबा दिया है, तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं ऐसी और भी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेस्ट फेसिंग में एक शानदार 4 BHK 110 वर्ग गज का शानदार मकान। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16x64 साइज का ये शानदार मकान है, जो कि मैं आज आपको विजिट कराने के लिए आया हूं। अगर एमिनिटीज की बात करें तो ऑल एमिनिटीज सराउंडिंग 500 मीटर रेडियस के अंदर आपको स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल्स, बाजार सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहां की, तो रोड है ये, आप देख सकते, बात करें तो आप देख सकते हैं 40 फीट रोड के ऊपर ये मकान है, और इसी के साथ में यहाँ सीवरेज, पानी, बिजली सब कनेक्ट है। तो चलते हैं अभी हमारे इस मकान की तरफ। आप देख सकते हैं ये है रैंप, जो कि रोड से थोड़ा हाइट देकर बनाया हुआ है, और इसी के साथ में जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं, ये जो 4 BHK मकान है, इनके अंदर आप देख सकते हैं ये रो हाउसेज है। यहाँ इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं, बेहतरीन शानदार मकान है। और इसी के अंदर अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके विजिट के लिए। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये है रैंप, और इसी रैंप के साथ में आप देख सकते हैं ये आयरन के गेट है, जो कि कलर कॉम्बिनेशन में है, और इसी के साथ में ये है पार्किंग। आप देख सकते हैं पूरी पार्किंग है, और इसी पार्किंग में आप देख सकते हैं 16 की फ्रंट में एक बेहतरीन बड़ी सी पार्किंग मिलती है, जो कि आप आराम से 2 गाड़ी यहां पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां आप देख सकते हैं ये है पानी का टैंक, और आप फ्रंट साइड की तरफ देख सकते हैं एक ये बेडरूम है, जो कि ड्राइंग रूम का भी काम करेगा। एक एंट्री इधर से भी है, इसी के साथ में मेन एंट्री आप देख सकते हैं इस साइड से। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहां आपको मिलता है एक मीटर बॉक्स, और इसी के साथ में हम अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर ये बाहर से जीना है, और स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है। इसी के साथ में जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं सिंगल पल्ले का गेट है ये, और इसी गेट के साथ में ही आपने जैसे ही एंटर किया एक लॉबी आपको शानदार। यहां आप देख सकते हैं ये है टीवी शोकेस, जो कि वुडन वर्क है, पूरा लकड़ी में काम किया हुआ है। इसी के साथ में यहाँ लाइट्स लगाई हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉक्स देख करके। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये पूरा एक शानदार यूनिक डिजाइन लगती है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये होल, जो कि एक बिग स्पेसेस एल शेप में ये होल मिलता है आपको। आप देख सकते हैं ये और इधर एक काफी बड़ा आपको होल मिलता है, जिसके अंदर अगर आप सीटिंग करते हो तो एल शेप में यहां पर आप सोफा लगा सकते हो, तो इधर डाइनिंग आपकी आ सकती है। यहीं पे अगर हम बात करें यहां, तो आप देख सकते हो इस वॉल के ऊपर यहां पर आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा। ये वेस्ट फेसिंग मकान है, और आप देख सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा मकान बना हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है मॉड्यूलर किचन, और यहाँ पर आपको मिलता है फ्रिज के रखने का स्पेस, और यहाँ पूरी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह सब लगाया हुआ है, फर्नीचर वगैरह सब दिए हुए हैं, और यहाँ बॉक्सेज लगा करके आपको दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये बॉक्सेज है, और सामने की बात करें हम तो यहाँ पर एग्जॉस्ट के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, तो ये एक मॉड्यूलर किचन है, और इसी के साथ में ये है मास्टर है, ये है 10x12 साइज का, और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक विंडो है, जो कि कूलर पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक वार्डरोब है, जो कि आयरन की वार्डरोब दी हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है रॉयल प्ले में डिजाइन एक वॉल। ऊपर की तरफ बात करें तो फॉल सीलिंग दी हुई है, और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो विट्रीफाइड टाइल्स है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ, देख सकते हैं AC लगा हुआ है, और
यहाँ आप देख सकते हैं एसी फिटिंग दिया हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं लकड़ी के डोर्स है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं गैलरी से कनेक्ट है, ये अटैच टू गैलरी है। पीछे की तरफ सिक्योरिटी के लिए जाल लगाया हुआ है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। हॉल में आ चुके हैं और हॉल के अंदर आप देख सकते हो ये एक बाथरूम है जो कि इंडियन टॉयलेट है। एक ही बाथरूम। तो अभी मैं लेकर चलता हूं आपको फ्रंट साइड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं 8x10 साइज का ये रूम है, जो कि आप देख सकते हैं ये है रॉयल प्लेमेड डिजाइन। और ऊपर की तरफ बात करें तो फॉल सीलिंग दी हुई है, और यहाँ विट्रीफाइड, यहाँ देखें तो प्रीमियम कलर किया हुआ है, नीचे विट्रीफाइड टाइल्स दी हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो कूलर पॉइंट के लिए एक विंडो में पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ ये एंट्री है जो कि आप यहाँ से बाहर की एंट्री है, इधर भी बाहर से आ सकते हैं। और यहाँ सामने की तरफ देखें तो एक स्पेसियस आपको बालकनी मिलती है, ऊपर की तरफ देखें तो वुडन कलर दिया हुआ है बालकनी में। तो ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं लेकर चलता हूँ। तो ये जो मकान आपने देखा ये 4 BHK का था, अभी मैंने आपको दिखाया है 2 BHK सेट जो कि ग्राउंड फ्लोर में था, और ऐसा ही सेम ऊपर है जो कि अभी मैं आपको विजिट कराऊंगा। 80% लोनेबल है, टेक्निकल अप्रूव्ड है, ये 110 वर्ग गज का मकान है जो कि लोनेबल है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो मात्र 40 लाख रुपए के अंदर ये मकान है, जो कि 4 BHK मकान है, 4 बेडरूम सेट का है। इसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों में किचन वगैरह है, तो दो भाई या रेंटल इनकम अगर आप इसे लेते हैं तो एक पोर्शन में आप रहते हैं तो दूसरे को रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर दो भाई हैं तो वो मिलकर इसे ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं और अभी मैं दिखाता हूं आपको। इससे पहले अगर आपने कीमत एक बार दोबारा सुन लीजिए, इसकी कीमत मात्र 40 लाख रुपए है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है स्टील की रेलिंग, ग्रेनाइट का जीना, या आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले आपको यहाँ MCP मिलती है, और इसी के साथ में हमने जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं सेम वही L शेप में आपको मिलता है हॉल, ए बिग स्पेसियस हॉल। और यहाँ देख सकते हैं बिग स्पेसियस हॉल जो कि ऊपर की तरफ देखें तो फॉल सीलिंग दी हुई है। वहीं अगर मैं इस हॉल की बात करूँ तो यहाँ है रॉयल प्ले में डिजाइन दी हुई है। और अगर नीचे की बात करें तो देख सकते हैं आप टाइल्स है जो कि 2x4 की साइज की टाइल्स है, और इन वॉल्स की बात करूं तो प्रीमियम कलर किया हुआ है। वहीं पे मैं अगर इसकी बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉश बेसिन आपको लगा करके दिया जाएगा, और ये है बाथरूम जो कि इंडियन टॉयलेट है क्योंकि हॉल में कॉमन बाथरूम है। और वास्तु के अकॉर्डिंग है, वेस्ट फेसिंग मकान है ये, और इसके अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये है किचन, आप देख सकते हैं ये है किचन जिसके अंदर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ फ्रीज रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह ब्लैक टॉप ग्रेनाइट का ये प्लेटफॉर्म है, और आप देख सकते हैं ये पूरा फर्नीचर आपको लगा करके दिया गया है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस आपको लगा करके दिए हैं। सामने की तरफ बात करें तो एग्जस्ट के लिए और चिमनी के लिए ये स्पे होल लगा करके दिया गया है, तो बेहतरीन शानदार किचन है प्लेटफॉर्म के साथ। तो अभी मैं लेकर चलता हूं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आप देख सकते हैं 10x12 साइज का ये बेडरूम है, जो कि आप देख सकते हैं वार्डरोब है इसके अंदर, और यहाँ देखें तो रॉयल प्ले में डिजाइन है एक वॉल पे। ऊपर की तरफ बात करें तो फॉल सीलिंग दी हुई है, और ये दूसरी वॉल्स की बात करें तो प्रीमियम कलर किया हुआ है, मॉड्यूलर स्विचेस दिए हुए हैं। नीचे की बात करें तो विट्रीफाइड टाइल्स है, और यहाँ आप देख सकते हैं वुडन के अंदर पूरा वर्क है, ये लकड़ी के डोर्स दिए हुए हैं, और अटैच टू गैलरी है। यहाँ देखें तो विंडो दिया हुआ है जिसमें कूलर पॉइंट लगा करके आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हैं अटैच्ड गैलरी है। और अगर पीछे की तरफ भी देखें तो सारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं, और यहाँ कवर्ड किया हुआ है जाल से, और काफी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है पूरी मकान में। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ फ्रंट साइड। आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ फ्रंट साइड बेडरूम में,
और ये बेडरूम जो है वो है 8x10 साइज का। यहाँ आप देखें तो रॉयल प्ले में डिजाइन है एक वॉल पे, ऊपर की तरफ देखें तो फॉल सीलिंग दी हुई है, और अगर नीचे की बात करें तो विट्रिफाइड टाइल्स है, और यहाँ की बात करें तो प्रीमियम कलर दिया हुआ है। ये था फ्रंट साइड बेडरूम, अटैच टू बेल्कनी है, साथ ही यहाँ देख सकते हैं आप एक विंडो दी हुई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं एक बड़ी सी 4 फीट की बेल्कनी मिलती है जो कि बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो वुडन कलर किया हुआ है जो कोई वुड का फील कराता है, और अगर नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं 4 फीट की ये टाइल्स है विट्रीफाइल, और इधर की देखें तो आप देख सकते हैं स्टील की ये रेलिंग है, और टफन ग्लास का यूज किया गया है इसके अंदर। और वहीं पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ पूरे पेड़ वगैरह सब लगे हुए हैं, बहुत ही हरियाली है, शानदार मकान है ये। इसी के साथ में अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं ये विंडो है, और यहाँ पर एक डिज़ाइन दी हुई है जो कि यूनिक लुक यहाँ से नज़र आता है। तो ये प्रॉपर्टी है, अभी मैं आपको छत पे ले जा करके वहाँ से इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा। ये अंसल सुशांत सिटी सेकंड में, यह आप देख सकते हैं जैसे ही हमने छत पे एंटर किया ये मोची टाइल्स लगाई हुई है जो कि एक बेहतरीन शानदार लुक आता है इसका, ऐसे लगता है जैसे कोई गलीचा बिछा हुआ है। और इसी के साथ में पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग्स वगैरह मकान बने हुए, रिहायशी कॉलोनी है यहाँ पर, पूरी तरफ आप देख सकते हो सब कंस्ट्रक्शन है, सारा मकान बने हुए हैं। और इसी के साथ में अगर हम फ्रंट साइड की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं फ्रंट साइड की तरफ भी देख सकते हैं सारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं, और अगर सामने की तरफ देखें तो हमारे देश का झंडा लहरा रहा है, बहुत ही शानदार लुक है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये अंसल सुशांत सिटी सेकंड है जो कि पूरे मकान यहाँ बने हुए हैं। इसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है तो लगे हाथों लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसी और भी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आपके हर बजट के अंदर, आपके बजट के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आता हूँ जो कि आपको बेहतरीन एक शानदार डील करने में मदद देती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आप किसी पर्टिकुलर किसी साइज़ का या ऐसा मकान चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो भी कॉल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।